हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जब भी हम सेल एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें डेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे डेट चेंज करने का ऑप्शन ना आए, जैसे कि आपके पास अगर मल्टी यूज़र है तो आप चाहते हैं कि जितने भी आपके मल्टीपल पीसी हैं उन पर कोई भी डेट चेंज करने का ऑप्शन ना आए, सेल के अंदर डायरेक्टली जो है सेल करंट डेट में ही होनी चाहिए, तो ये सेटिंग जो है दोस्तों आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और जाने स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको ये सेटिंग इनेबल करना है ताकि डेट कोई भी मॉडिफाई ना कर सके। और अगर दोस्तों हमारी पेड सर्विसेज लेनी है या सॉफ्टवेयर बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हमारे चैनल पर आती रहती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको मास्टर के मेनू में आना है और मास्टर के मेनू में आने के बाद आपको पासवर्ड एंड पावर्स पे आके ऑपरेटर पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले से मैंने यहाँ पे यूजर्स बनाए हुए हैं। हो सकता है कि अभी नॉर्मली आप सेल बिल कर रहे हो, दो यूजर हो आपके पर फिर भी आपने यूजर नहीं बना रखा हो, नॉर्मली सेल कर रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको जो है F8 से कीबोर्ड से आप F8 प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले सुपरवाइजर आईडी बनाना होगा। जब आपकी सुपरवाइजर आईडी बन जाएगी तब जाके आप जो है यूजर को बना सकते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख के आप ये सीख सकते हैं कि यूजर कैसे बनाना है और कैसे उसका सुपरवाइजर बनाना है। तो आपको वहां से ये आइडिया लग जाएगा। बनने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपका यूजर है, जैसे कि देखिए मेरा यूजर एक बिल के नाम से है, एक एसी के नाम से है और एक यूजर वन के नाम से है और एक यूजर जो सुपरवाइजर है वो ए के नाम से है। तो आप चाहे तो किसी पे भी कर सकते हैं और किसी को भी, जैसे ये मेरा अकाउंट का पर्सन है, मैं चाहता हूँ इसके पास सारे एक्सेस हो मॉडिफाई करने के भी, डेट को भी वो मॉडिफाई कर सके, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस पे अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है सभी पे अप्लाई हो जाएगा, और सभी पे करना चाहे सभी पे भी कर सकते हैं। तो जैसे सुपरवाइजर, मैं चाहता हूँ कि सुपरवाइजर पे ही जो है डेट ऑप्शन ना आए मॉडिफाई करने का सेल के अंदर, तो मैंने इस पर एंटर किया। सर्च इन ऑल पे आप एंटर करके यहाँ पे टाइप करेंगे डेट, डायरेक्टली डेट ही टाइप करना है आपको और उसके बाद दोस्तों एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों बहुत सारे इसमें ऑप्शन ऐसे नजर आएंगे, बट आपको फोकस करना है यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, वर्किंग डेट यहाँ पे है। पहला ऑप्शन तो है हो रखा है एनी, जो अभी अप्लाई हो रखा है पहले से ही, और यहाँ पे है टूडे, तो आपको क्या करना है टूडे करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे एनी हो रखा है तो मैंने इसे कर दिया एस, एस का मतलब है टूडे, और उसके बाद आप इसको स्केप स्केप करके यस कर दें और फिर दोबारा से स्केप करके यस कर दें। अभी सेटिंग इस पर अप्लाई हो गई है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंटर करके सेल करते हैं, जैसे कि मैं अभी एंटर करके यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो डेट चेंज करने का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। तो कोई भी सेटिंग अगर आप करते हैं उसके बाद वो यूज़र आपका दोबारा से रीलॉगिन होना चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल यू से दोबारा से रीलॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं सुपरवाइजर की आईडी मेंशन करता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, अब देखिए अब मैं जैसे ही बिल बना रहा हूँ तो ये कर्जर डायरेक्टली मोबाइल पर आ गया, जबकि कर्जर यहाँ पे होना चाहिए था पहले, और यहाँ पे देखिए कर्जर अब नहीं रुक रहा। अब देखिए फिर से मैं दोबारा से एंटर करता हूँ, अपनी अभी जो है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें इस वाली आईडी में डेट के ऊपर कोई परमिशन नहीं है सेल एंट्री की। अब यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को मोबाइल नंबर के लिए पूछ रहा है कस्टमर के। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाना तो मैं किसी भी रूप में यहाँ पे जा नहीं सकता, मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं जा सकता डेट के पास। ये देखिए अपने अभी ये एंटर होकर नीचे आ जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से डेट को आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई भी यूजर या फिर आप ही अगर बिल करें तो करंट डेट में ही आपके बिलिंग हो। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई है इसमें तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर वर्कआउट करके उसका भी सोल्यूशन आपको दे सकूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो आगे आने वाली है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको पेड सर्विसेज लेना है या बाय करना है सॉफ्टवेयर को तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thanks for watching.